খবর 24 ইনটু সাথে আপনাকে স্বাগত। নতুন নতুন খবর জানার জন্য আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন। নমস্কার, খবর 24 ইনটু সাথে আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা কোন কোন ঠান্ডা দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে আছি এবং আমাদের সাথে আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মানুষ যারা জানতে চান, সন্দীপ দুবে, হ্যাঁ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড একসাথে ছিল। আজকের দিনেও দ্বারভাঙ্গা যেটাকে বলা হয় সেটা দ্বার বাঙ্গাল বলা হতো। একটা মাত্র মানুষ, যে মানুষটা সন্দীপ দুবে। অসহায় মানুষরা যারা পশ্চিমাঞ্চল থেকে আছে তাদেরকে সব সময় নিজের বুকে টেনে রাখে। দুবেজি, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কা বহুত সারে আদমি আপকে বারে মে জাননা চাহতা হ্যায়, ইয়ানি কি এ জো চলেগা পুরো আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় চারো তরফ চলেগা। দুবে জি, ও লোক জাননা চাহতা হ্যায় এক এসা ফরিশতা কৌন হ্যায় জব কহীঁ সে ভি আতা হ্যায় আপকা পাস আকে শরণ মিল জাতা হ্যায়। ও লোগ কে বারে মে দো চার বাতে বোলি, ও লোগ আপকো বহুত সারা বিহার, বেঙ্গল, উড়িষ্যা সব আদমি আপকা বারে মে শুননা চাহতা হ্যায়, দো চার বাতে বোল দিজিয়ে। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस समय हम लोग को चाहिए कि सरकार की इतनी ढेर सारी योजनाएं चल रही, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, थोड़ा सा अपने लिए जागरूक हो जाएं और उन योजनाओं का लाभ लें। जब हम बात करते हैं कि सरकारें, कभी कभी हमें लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हम घर बैठे ये परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं, इस केंद्र सरकार ने जो सरकार की योजनाएँ हैं उसको आप तक पहुँचा दिया, आपके अकाउंट में पहुंचा दिया, बीच की चोरी रोक दी। आपको ये देखना है कि आपके अगल बगल जो चोर हैं उनसे सतर्क रहना है, वो चोर आपको गलत भ्रमित करेंगे, दिग्भ्रमित करेंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार रूपी दानव है छोटे जगह पे पनप जाता है, वो पनपता इसीलिए है कि हम सजग नहीं होते हैं और इनसे हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए कोई दूसरी तीसरी शक्ति नहीं आएगी। स्वयं थोड़े थोड़े हम जागरूक हो जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ लेंगे। आप अपने बच्चों को कितना अच्छा बनाना चाहते हो, सोचते हो कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, वैसा ही राष्ट्र है। राष्ट्र के बारे में आप सोचो कि ये राष्ट्र भी खूब आगे बढ़े, अच्छा करे, अच्छी तरक्की करे। तो जैसे अपने बच्चे के लिए आप खड़े हो जाते हो कि उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, वैसे इस देश के लिए भी खड़ा आपको होना है, जगना है कि ये देश का कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी देश प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो उनके लिए खड़ा होने के अभी ये अवसर है, ये वक्त है, और 2024 में पुनः उन्हें वोट दें, जिता के ले आएँ, ताकि जो इस देश को बांटने वाली विभाजनकारी नीतियां हैं, जो रावण की सेना है, जो राक्षस हैं, जो उत्पात कर रहे हैं, आपको आंखों के सामने दिखेंगे, उनसे सबसे पहले सतर्क हो जाइए, ताकि ये भारत को बचाने का अवसर हमेशा आपके पास है। मैं ईस्टर्न इंडिया का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, चारों तरफ का आदमी लोग को एक ही बात बोलना चाहता हूँ। संदीप दुबे क्या बात बोला, थोड़ा याद कीजिएगा, भारतवासी एक एवं अभिन्न है, यानी कि हम लोग केंद्र में जो सरकार चुनने जा रहा है, सबका सहयोग का साथ, सबका साथ, सबका विकास, संदीप दुबे के साथ हम लोग आज इंडिया गेट में था। आपको ढेर सारे नमस्कार और स्वतंत्र दिवस का ढेर सारे, पहले ही बता देता हूँ, मैं स्वतंत्र दिवस का एक शुभेच्छा वाणी भी भेज दीजिए। देखिए, हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हमारा चरित्र, हमारा कार्य करने की क्षमता और हमारी सोच। जब हम पूरे देश को एक करने की बात सोचते हैं, एकता के सूत्र में पिरोना इस देश को चाहते हैं, तो मजबूत भारत दिखता है। तो ये 26 जनवरी को मैं सभी अपने भारतवासियों को प्रेम पूर्वक विनती और आग्रह करूंगा कि हम सब लोग एक नेक विचार को धारण करें, श्रेष्ठता को धारण करें, और राममय जो वातावरण पूरे विश्व में बन रहा है, आज देखिए, जो लोग राम का नाम नहीं जानते थे, जिनको राम से घृणा थी, वो भी राम राम कर रहे हैं। तो अब ये समय भारत का है, और इस भारत के समय में हम सब एक होकर अपने भारत की उन्नति, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, और आइए हम सब लोग एक बार फिर भारत माता की जय के साथ अपने 26 जनवरी को सेलिब्रेट करें। भारत माता की जय। चित्त सांवादिक दिवेश के साथ बीएन का रिपोर्ट, खबर 24 इंटू 7।